para sumar la gente. आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ एमएस वर्ड के बारे में। तो आइए जानते हैं एमएस वर्ड को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करें और एमएस वर्ड पर अपना वर्क कैसे करें। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। मैं हूं गुरमीत सिंह, मेरा टीम स्टार ऑफ इंडिया। मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम आज ऑफिशियल वर्क बनाते हैं। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। तो आइए चलते हैं, इसे ओपन करने के लिए सीखते हैं। तो इसे ओपन करने के लिए हम पहले विंडो बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे, उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पर क्लिक करेंगे। आपका एक विंडो खुल रहा है, एमएस वर्ड का विंडो खुल रहा है। ये खुल चुका है आपका एमएस वर्ड का विंडो। ऊपर टाइटल हेड है जिसको हम जिसमें डॉक्यूमेंट का नाम रखते हैं, और राइट साइड है जिसमें तीन बटन है जिसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज है, और राइट साइड में एक वर्टिकल स्क्रॉल बार जिसके माध्यम से पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये स्टेटस बार, इसमें आपका जूम इन जूम आउट रहता है, और इसमें पेज नंबर रहता है, और लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस बटन जिसके माध्यम से हम शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पैसे ईमेल स्पेलिंग ग्रामर चेक इस्तेमाल करते हैं। और ये फाइल ऑफिस बटन जिसमें क्लिक करने से आपका बहुत सारे ऑप्शन खुलता है, सेव सेव एज ओपन क्लोज न्यू प्रिंट सेव एंड सेंड हेल्प ऑप्शन एग्जिट, और सभी को हम डिटेल में बताने वाला हूँ। सेव जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, सेव इसमें सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट हम डुप्लीकेट या दूसरे नाम से सेव करते हैं। ओपन इससे आपका फाइल ओपन होता है, क्लोज से आपका क्लोज हो जाता है, न्यू से न्यू पेज विंडो खुलता है, प्रिंट से प्रिंट निकाल सकते हैं, सेव एंड सेंड या सेव या फिर सेंड कर सकते हैं, एग्जिट से आपका विंडो क्लोज हो जाएगा। आइए चलते हैं होम। तो आइए दोस्तों, आगे होम टैब के बारे में बताने जा रहा हूँ। होम टैब में बताने के लिए सबसे पहले हम इस पर कुछ टाइप करते हैं। Other is good boy. एक सेंटेंस लिखें। इस सेंटेंस को हमको बार बार लिखना है, इसके लिए हम बार बार लिखेंगे नहीं, इसके लिए हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने से पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपका पेस्ट हाईलाइट हो जाता है, इसे हम क्लिक करते हैं तो आपका पेस्ट होते जाता है, और एक ही सेंटेंस बार बार लिखाने लगता है। और कट, कट का मतलब मान लीजिए कि गुड इस स्थान के, इस एरिया के स्थान पर यहाँ होना चाहते हैं, इसके लिए हम कट करते हैं। कट किए और कट करने के बाद आप कर्सर को जहाँ भी रखकर पेस्ट कीजिएगा तो गुड यहाँ आ गया। कट का मतलब रिमूव, इस स्थान से हटकर इस स्थान पर आ गया। और फॉर्मेट पेंट है, मान लीजिए कि इसका डिजाइन कुछ इस तरह है और इसका डिजाइन इस तरह है, तो आप इस डिजाइन जैसा इसका करना चाहते हैं तो इसको पहले कुछ हिस्से को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आप इसे सिलेक्ट करके छोड़ेंगे तो अपना इसी डिजाइन हो जाएगा। और आगे हो फॉन्ट में बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन एस्टेरिस्क सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। तो पहले बोल्ड, बोल्ड करने से लिखा हुआ टेक्स्ट हल्का मोटा हो जाता है। जैसा कि देख रहे हैं बोल्ड करने पर मोटा हो गया, और इटैलिक्स करने पर हल्का तिरछा हो जाता है। अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन आप ऐसा ऐसा डिजाइन में कर सकते हैं, मोर अंडरलाइन भी कर सकते हैं या कलर भी डाल सकते हैं।
ये जैसा कि हम कलर डाल के दिखा रहे हैं, इस पर डबल क्लिक करने से आपका अंडरलाइन हट जाएगा। इटैलिक्स पर भी डबल क्लिक करने पर आपका इटैलिक्स तिरछा है वो हट जाएगा। ये भी बोल्ड करना है, डबल क्लिक कर देंगे आपका हट जाएगा। और यहाँ से अपना लिखा हुआ टेक्स्ट का डिज़ाइन बदल सकते हैं, जैसा भी आपको रखना है वैसा आप रख सकते हैं। और यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज बढ़ा घटा सकते हैं, यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज घटा बढ़ा सकते हैं। स्ट्रिक थ्रू है, स्ट्रिक थ्रू मान लीजिए कि इसमें गुड लिखा हुआ है, ये गलत है, इसके लिए गुड को सिलेक्ट करेंगे पहले, स्ट्रिक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो आपका ये गुड कट जाएगा। और ये है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, इसका इस्तेमाल फार्मूला लिखने पहले स्क्रीन को साफ कर देते हैं। और ये सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इसका उपयोग आप फार्मूला लिखने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आपका केमिस्ट्री का फार्मूला लिखना है H2SO4 H2SO4 आपका 2 और 4 आपका नीचे रहता है, इसके लिए आप 2 और 4 को सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका नीचे आ जाएगा। हम इसको बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, देखिए। सुपरस्क्रिप्ट इसमें मैथ फॉर्मूला लिखना है, मान लीजिए a प्लस b के होल स्क्वायर लिखना है। इसके लिए आप पहले a प्लस बी होल स्क्वायर, और स्क्वायर में 2 ऊपर होता है, ब्रैकेट के ऊपर होता है 2, इसके लिए आप 2 को पहले सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे जिससे आपका 2 ऊपर चला जाएगा, ए प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा गया है। और ये है मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ लिखते हैं रॉम, इसका आप डिजाइन करना चाहते हैं तो आप डिजाइन यहाँ से कर सकते हैं, ऐसा भी डिजाइन करना है कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, शैडो दे सकते हैं, ग्रोम क्या देखिए। अरे आपका हाईलाइट, इससे आपका हाईलाइट कर सकते हैं, जैसा ही कलर को मन है कर सकते हैं। हाईलाइट करने के लिए पहले सिलेक्ट करना होगा, देखिए आपका कलर बदल गया। जैसा ही कलर करना वैसा कलर हो जाएगा। और आगे टेक्स्ट, इससे आपको फॉन्ट कलर चेंज होगा, मान लीजिए कि H2SO4 लिखा हुआ है, इससे कलर चेंज हो जाएगा। स्क्रीन को पहले साफ कर देते हैं, उसका कुछ सेंटेंस लिखते हैं। और आगे है केसेस, कुछ केसेस हैं जिससे आप दिखा रहे हैं, ये आपका सेंटेंस केस है जो पहले से लिखा हुआ है, लोअर केस में क्लिक करने से आपका सारा सेंटेंस का वर्ड स्मॉल लेटर में हो जाएगा। और है अपर केस, अपर केस में आपका टोटल कैपिटल हो जाएगा जैसे आप देख सकते हैं। और एक कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड में प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसमें पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा। ऑन टी में फर्स्ट लेटर टी स्मॉल हो गया, ऑन में फर्स्ट लेटर ओ स्मॉल हो गया, सेंटेंस केस में सेंटेंस की तरह हो जाएगा। अब आगे पैराग्राफ में, पैराग्राफ में यहाँ से बुलेट दे सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा भी बुलेट दे सकते हैं। यहाँ से आप नंबरिंग देख सकते हैं, यहाँ से ही नंबरिंग देख सकते हैं, आप जैसा भी डिजाइन को चाहते हैं वैसा देख सकते हैं। आपका रोल बार का लेफ्ट साइड रहेगा, एक मिडिल एल राइट, अरे अपने आप यहाँ से आप हिला सकते हैं, है डिक्रीज इंसिडेंट,
इंक्रीज इंसिडेंट, टेक्स्ट तो आगे पीछे कर सकते हैं। और ये है आपका सेंटेंस का बीच का गैप, यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं आप जितना भी मन है उतना घटा या बढ़ा सकते हैं। और ये है आपका कलर, यहाँ से आप कलर दे सकते हैं हाईलाइट की तरह है। और यहाँ से आपका सीरियल अल्फाबेट के अनुसार हो जाएगा, अल्फाबेट के अनुसार सज जाता है। ए वाला लेटर पहले आ जाएगा सेंटेंस, बी वाला उसके बाद, सी वाला उसके बाद, इस तरह से हो जाता है। और ए है नॉर्मल, आगे स्टाइल में यहाँ से ए नॉर्मल है लिखा हुआ नॉर्मल में, यहाँ से नो स्पेसिंग मैंने लिखा हुआ सेंटेंस की नो स्पेस हो गया। हेडिंग देख सकते हैं, फर्स्ट हेडिंग, सेकेंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग, यहाँ से चेंज स्टाइल अपने टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं दिखा रहे हैं, सब चेंज कर सकते हैं, आपका जो भी मन है वो डिजाइन रख सकते हैं, ऐसे कलर दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। और आगे है फाइंड, यहाँ से आप मान लीजिए इसने हमको पता लगाना है यू लिखा हुआ जो कहाँ कहाँ है, इसके लिए हम फाइंड करते हैं। इसलिए हम मान लीजिए कि हमको पता करना है कि यू कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, इसके लिए हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो बता देगा कि यू कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। रिप्लेस मान कर देते हैं स्क्रीन को, मान लीजिए कि लिख देते हैं यू मोहन, मोहन इज गुड बॉय, लिखा हो मोहन इज गुड बॉय। हमको मोहन के जगह राम या फिर और कोई भी नाम चेंज करना, मोहन को हटा कर यहाँ पे और कोई भी नाम लिखना है, इसके लिए हम टोटल में सुधारेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके लिए हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस का मतलब व्हाट फाइंड में अब मोहन लिखेंगे, मोहन को हटाना है, इसके जगह पर जो भी लिख रहा है यहाँ लिख देंगे। मोहन के जगह हमको लिखना है गुरमीत, लिख कर यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो एक एक करके होगा, रिफ्लेस ऑल कर देंगे तो टोटल एक बार हो जाएगा। क्या देख रहे हैं मोहन के जगह गुरमीत हो गया। और आगे है सिलेक्ट, सिलेक्ट से है सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलरली फॉर्मेटिंग, वही दोस्त आगे इंसल टाइप के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इंसल टाइप में आपको पेज टेबल स्टेशन लिंक हेडर फुटर टेक्स्ट सिंबल आपको कवर पेज, आप किसी बुक पर आप देखो कवर क्या हो आप कवर यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे ही कवर डिजाइन करना है आप यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे कि बुक पर रहता है एयर टाइटल नेम क्या चीज़ का बुक है वो भी रहता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं केमिस्ट्री का बुक है यहाँ से लिख सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं ट्यूब का, और यहाँ से ऑथर का नाम कंपनी का नेम डेट पिक दी डेट लिख सकते हैं, इस तरह से आप कवर पेज तैयार कर सकते हैं। स्क्रीन को क्लिक करते हैं, और आगे पेज ब्रेक है, यहाँ से पेज ब्लैंक आप ले सकते हैं, पेज ब्लैंक ले सकते हैं, यहाँ से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। आगे है टेबल, यहाँ से आप टेबल ले सकते हैं, सब जितना ही टेबल ड्रॉ कॉलम ले सकते हैं, या फिर आप टेबल को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ड्रॉ टेबल है कुछ भी ड्रॉ करना है यहाँ से आप
रो कॉलम ड्रा कर सकते हैं आप अपने तरीके से, जितना भी आपको जरूरत है उतना आप रो कॉलम ड्रा कर सकते हैं। और आगे पिक, यहाँ से आप पिक्चर अपने फाइल से ला सकते हैं। मान लीजिए कि है पिक्चर हमको लाना है, यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर ला सकते हैं। आपको एक सबका अलग नया फॉर्मेट के यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं, कलर कर सकते हैं, हल्का पोजीशन बदल सकते हैं, कहाँ पोजीशन किस पोजीशन में होना चाहिए, और टोटल चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टाइल बदल सकते हैं, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर का बॉर्डर कलर दे सकते हैं, पिक्चर इफेक्ट डाल सकते हैं, 3D कैसा भी जैसा भी आप रखना चाहते हैं वैसा हो जाएगा, रख सकते बना सकते हैं। और आगे है क्लिप आर्ट्स, ये अपने सिस्टम में पहले से इंस्टॉल, मान लीजिए हमको कार का इमेज लाना है, फिर कंप्यूटर का लाना, यहाँ पे लिखेंगे इस चीज़ के फोटो लाना है, यहाँ पे लिखेंगे और फिर को क्लिक करेंगे तो आपका खुल जाएगा, आ जाएगा पीछे। इसके हमको इसको क्लिक करने लाना है, इसे क्लिक करेंगे तो आपका ये लाना है आगे है सेफ, यहाँ से सेफ ड्रा कर सकते हैं, जिस चीज़ का सर्किल या फिर कुछ चीज़ का सेफ लेना है तो यहाँ सेफ ले सकते हैं, रिजल्ट में जाके सबका एक अलग नया फॉर्मेट खुल गया। तो आप यहाँ से इसे कलर कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। और आगे है स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट से आप ऐसे आप लिस्ट जैसा ही आप चाहते हैं वैसा यहाँ से स्मार्ट आर्ट कर सकते हैं। फिर इसका भी एक नया फॉर्मेट खुला, यहाँ से आप कलर कर सकते हैं, स्क्रीन को क्लीन करते हैं। और आगे है चार्ट, ये एक्सेल संबंधित है, आप एक्सेल में जो भी चार्ट बनाए उसे आप ग्राफ के द्वारा यहाँ देख सकते हैं। स्क्रीन शॉट, ये विंडो 7 में नहीं रहता, ये विंडो 10 है, इसे आप अपने स्क्रीन का इमेज अपने विंडो पर ला सकते हैं। हाइपरलिंक है आपका लिंक लगाने का, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में लिंक लगता है, इस पर कुछ लिखा हुआ है, इस पर लिंक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिंक लगा दे सकते हैं। इस पर लिंक लगाना तो ओके, आप इस पर लिंक लगे, आप इस पर कंट्रोल के साथ अपना क्लिक करेंगे तो आपका इस पर लिंक लगा वो पेजेस खुल जाएगा। देखिए खुल गया। आगे है बुकमार्क है, मान हम कोई बुक पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत से सारे पेजेस होते हैं, उसमें हम कहाँ तक पढ़ें उसके जानकारी के लिए कुछ ट्रिक अपनाते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ तक पढ़ें बुक, यहाँ पढ़ें, इसलिए हम फिर अगले दिन कुछ काम आ गया था हम इसे बंद करते हैं, तो अगला दिन कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ तक पढ़ें, इसके लिए हम बुक मार्क लगाते हैं। बुक मार्क यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं और ऐड कर देते हैं, और फिर आप कहीं पे ही कर्सर रख देख सकते हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके लिए हम बुक मार्क पे जाएंगे, गूगल पे क्लिक करेंगे, ऐड गो टू कर देंगे, तो आपको ऑटोमेटिक आपका कर्सर वहाँ चला जाएगा जहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। क्रॉस रेफरेंस यह भी एक प्रकार का लिंक है जो एक पेज से दूसरे पेज में लगता है। मान लीजिए कि यहाँ पे फुट नोट लगाते हैं रेफरेंस में जाके पेज नंबर 1 में, और पेज नंबर 2 में यहाँ पे लगाते हैं फुट नोट, पेज नंबर यहाँ लगाते हैं 1 में, क्रॉस रेफरेंस लगा सकते हैं। फुट नोट था तो फुट नोट पर जाके पहले क्लिक करेंगे,
फर्स्ट पेज को लगाना चाहते हैं दूसरे पेज के साथ लिंक, तो कैसे इंसर्ट करें। तो अब आपका क्रॉस रेफरेंस लग चुका है। अब यहाँ पे कर्सर ले कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आप दूसरा पेज पे पहुँच जाएगा जहाँ पे दूसरा पेज में लिंक लगा हुआ था क्रॉस फुट नोट। जैसे कि आप देखें पेज नंबर टू में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे पेज नंबर टू और आगे है हेडर फुटर पेज नंबर। हेडर पेज का ऊपरी हिस्से में लगता है, टॉप बॉग में लगता है, जबकि फुटर आपका निचले हिस्से में बॉटम हिस्से में लगता है। यहाँ से आप टाइटल दे सकते हैं और फुटर आपका पेज का निचले हिस्से में लगता है। और है पेज नंबर, पेज नंबर आप टॉप हिस्से में दे सकते हैं, बॉटम में दे सकते हैं, मार्जिन में दे सकते हैं। टॉप में देना चाहते हैं टॉप में, राइट साइड, लेफ्ट साइड, मिडिल, जहाँ देना चाहते हैं वहाँ दे सकते हैं, या फिर बॉटम में भी आपका राइट लेफ्ट मिडिल जहाँ चाहते हैं वहाँ दे सकते हैं। बॉटम भाग में बीच में किनारे में देना चाहते हैं तो आपका देखिए पेज नंबर टू किनारे आ गया। सबका एक डिजाइन खुलता है, यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। और आगे है पहले स्क्रीन को क्लीन कर लेते हैं। आगे है आपका टेक्स्ट बुक्स में हम विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, फिर आप किसी तरह का आपका कार्ड बनाना रहता तो यहाँ से बना सकते हैं। आप यहाँ से किसी भी डिजाइन का बना सकते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए कि हमको इस डिजाइन में बनाना है, हमको कुछ लिखना है, किसी को लेटर लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हैं। हाय फ्रेंड, वगैरह वगैरह जो भी लिखना है इस पर लिख कर बना सकते हैं। वर्ड आर्ट से आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको लिखना है कुछ भी, रवि इज गुड बॉय, तो देखिए यहाँ से डिजाइन में लिखा है आपका टेक्स्ट का डिजाइन। आगे है ड्रॉप कैप, अक्सर आप मैगजीन या पेपर में देखते होंगे। ड्रॉप कैप में पहला लेटर बड़ा हो जाता है, जैसे हम लगा कर दिखा रहे हैं, ड्रॉप कैप लगाते हैं इसमें ऑन है, ऑन में ओ बड़ा हो गया। आप इसे कहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। आगे आपका ड्रॉप कैप, आगे सिग्नेचर लाइन भी आप दे सकते हैं। सिग्नेचर लाइन दिया है, जहाँ भी देना है सिग्नेचर लाइन आप दे सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम क्लिक करने से आपका सिस्टम है जो करंट डेट एंड टाइम है वो आपका दिखा देगा, आ जाएगा। आप जिस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं उस फॉर्मेट में यहाँ से क्लिक करके रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। और सिंबल से यहाँ से मैथ्स का फार्मूला ला सकते हैं, जिसमें देखिए नया डिजाइन खुल गया, यहाँ से आप जैसा भी ला सकते हैं। और यहाँ से सिंबल ला सकते हैं। तो आपका इंसल्ट समाप्त हुआ। तो दोस्तों आगे का ऑप्शन को जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।